सिर्फ एक YouTube वीडियो शूट करने के लिए भाई लिटरली यहाँ पर हमें पूरी की पूरी एक एयरप्लेन ही बुक करनी पड़ेगी, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, आओ एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ। ये कहानी 3 दिन पहले की है। मैं निकल जाता हूँ मुंबई एयरपोर्ट अपनी फ्लाइट लेने एंड सीधा जा फंसता हूँ मुंबई की ट्रैफिक में। लेकिन एक मिनट, अब एक जगह से तो बच गए थे लेकिन ट्रैफिक कहाँ ही खत्म होने वाली थी। और देखते देखते होने लगता है अंधेरा। बट रुको, क्यों ना टाइम को रिवर्स कर दिया जाए। एक मिनट, मैंने यहाँ पर जूते क्यों नहीं पहन रखे। ओके, तो मुझे जाना है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। अब एयरपोर्ट पर पहुंचते साथ ही हमारी फ्लाइट यहां पर छूट चुकी रहती है। बट ओके, तो ये मैंने आप लोग के लिए एक छोटी सी शॉर्ट्स फिल्म रेडी करी है। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था जो छोटे छोटे शॉर्ट्स मैजिकल वीडियोस में अपलोड करता हूँ, क्यों ना उन्हीं सारी वीडियोस को एक में मर्ज करके एक लैंडस्केप में फुल वीडियो बनाई जाए। होप आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। वैसे तो यार सच बोलूं, ये सारे शॉर्ट जो मैंने इसमें लिए हैं, कुछ कुछ शॉर्ट के लिए यहाँ पर हमें दुनिया भर के जुगाड़ करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें एक ड्रोन शॉट लेना था, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिफ्ट का यूज किया है, जो ट्रांसपेरेंट लिफ्ट होती है। और तो आप लोग को पता ही होगा कि एयरपोर्ट पर ट्राइपॉड और कोई भी दूसरे गैजेट्स वगैरह अलाउ नहीं होते। यहाँ पर हमें एक स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो जिसके लिए मैं अपने फोन को काइंड ऑफ एक बैरिकेड टाइप का कुछ रहता है उसके ऊपर रख करके मैंने यहाँ पर ये शॉट को रेडी किया हुआ है। और जो फ्लाइट अभी आप लोग ने वीडियो में देखी, वो रियल दिखाने के लिए मैंने एक्चुअल में एक रियल एरोप्लेन के पास ही जाकर के सारी चीजें शूट करी है। तो ये सारे वीडियोस को मैंने एक्चुअल में बनाया कैसे, आओ हर एक शॉट्स का ब्रेक डाउन करते हैं। शॉट नंबर 1, जहां पर मैं चुटकी मार के ट्रैफिक क्लियर करता हूं। अब ये वीडियो बनाने के लिए भी हमें अपने फोन को एक जगह पर स्टेबल करना था, तो मैं क्या करता हूँ, कार के अंदर ही अपने ट्राइपॉड वगैरह को अच्छे से पूरा फिक्स कर लेता हूँ, ताकि एटलीस्ट हमें थोड़ा तो स्टेबल वीडियो यहाँ पर मिल पाए। उसके बाद पहला वीडियो यहाँ पर मैं तब रिकॉर्ड करता हूँ जब ट्रैफिक पहले से ही लगी रहती है चुटकी मारते हुए। एंड उसके बाद दूसरा वीडियो मैं तब रिकॉर्ड करता हूँ जब रोड एकदम से क्लियर हो जाता है, गाड़ी थोड़ा सा हाईवे पर चली जाती है। अब बात करते हैं कि ये दोनों वीडियो को आपस में मर्ज कैसे किया गया। तो देखो, पहले वीडियो में जब मैं स्नैप करता हूँ, स्नैप करते समय मैं वीडियो को स्प्लिट कर देता हूँ एंड आगे का जो भी पार्ट होता है पहले वाली वीडियो का, उसका बैकग्राउंड मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड ठीक उसी बैकग्राउंड रिमूव वाली वीडियो के नीचे मैं दूसरी वाली वीडियो लगा देता हूँ। एंड जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये वीडियो को हमें स्टेबल रिकॉर्ड करना था, तो कार एक मूवेबल ऑब्जेक्ट है, कितना भी हम लोग स्टेबल ट्राई करें थोड़ा बहुत तो यहाँ पर कैमरा हिल ही जाता है। एंड वही सेम हमारे साथ भी हुआ, पहले वाली कार का इंटीरियर जो था और दूसरी वाली वीडियो का कार का इंटीरियर पूरी तरीके से अलग हो चुका था। तो इसको सीमलेस बनाने के लिए मैंने क्या किया, जैसे ही चुटकी मारता हूँ उसी समय मैंने एक जूम इफेक्ट लगाया हुआ है, ताकि क्या है, लोगों का पूरा ध्यान उस हाथ पर जा रहा है, ना कि कार के इंटीरियर पर, जिससे ये वाली वीडियो इतना सीमलेस लग रही है। शॉट नंबर 2, जहां पर मैंने जूते नहीं पहन रखे, लेकिन जैसे ही अपना पैर उस जूते पर मारता हूं, यहां पर मैं जूता पहन चुका रहता हूं। आई एम 100% श्योर कि आप लोग में से 90% लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि एडिटिंग मैंने एक्चुअल में करा कैसे, क्योंकि इसका एडिट करना बहुत आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बट फिर भी आप लोग कमेंट करके बता देना, क्योंकि जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो एटलीस्ट वहां से समझ जाए और मुझे भी तो पता चल पाए कि भाई आप लोगों को बेसिक एडिटिंग कितना समझ में आती है। शॉट नंबर 3, यहाँ पर मैंने एक रिवर्स टाइमिंग करी है, जो कि वीडियो तो शुरू होता है रात से, लेकिन जैसे ही वॉच के पास आकर के टाइम पीछे करके ऊपर जाते हैं तो दिन हो चुका रहता है। अगेन, ये वीडियो को भी एडिट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है इसको एडिट करना। बस आप लोगों को शूट करते टाइम टाइमिंग और फ्रेमिंग दोनों को एकदम प्रॉपर तरीके से रखना है, तब ये वीडियो सीमलेसली एडिट हो जाएगा। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ आगे बता दूँ। अब देखो, जो रात का शॉट था वॉच दिखाने वाला, वो तो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद अगले दिन दोपहर में सेम लोकेशन पर, जहाँ पर हमारी गाड़ी रात को थी, सेम लोकेशन पर ही मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, सेम फ्रेमिंग पर, यानी वॉच से लेकर के ऊपर जाते हुए। सो नाउ कम टू द मेन पार्ट, कि ये दोनों वीडियो को आपस में मर्ज कैसे किया, वो भी इतना सीमलेसली। तो देखो, पहली चीज, जो रात वाला वीडियो हम लोग ने शूट करा था, उसमें जब मैं वीडियो को ऊपर की तरफ लाता हूँ, एंड होने से पहले हमें वीडियो को स्प्लिट कर देना है। एंड स्प्लिट करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि वीडियो कहाँ पर स्प्लिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार के एसी के पास का इंटीरियर वहाँ पर अगर हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो सेम दूसरी वाली वीडियो जो दिन वाली वीडियो थी, उसको भी यहीं से शुरू करना है। अब जैसे आप लोग ये दोनों चीज़ कर देते हो, तो इससे क्या होगा, जब वीडियो ऊपर की तरफ आ रही थी उसी बीच में आप लोगों ने एक कटिंग लगा दिया, तो वो चीज़ माइंड में
में इतना क्लिक नहीं होगा, मतलब वो दिखेगा नहीं, और इसके वजह से वीडियो आप लोग का यहाँ पर सीमलेसली एडिट हो जाएगा। होप आप लोग को ये वीडियो में थोड़ा बहुत नया कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो आप लोग एंड तक देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, और शेयर भी कर दिया करो अपने किसी भी दोस्त या फिर फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत इस चीज़ को लेकर के नॉलेज हो पाए। ओके, अगले शॉट की तरफ बढ़ने से पहले इंडोर वाले शॉट पर आ जाते हैं, जहां पर मैंने मोबाइल से स्वाइप करके लैडर निकाला हुआ है। अब अगर आप लोग काफी टाइम से एडिट कर रहे हो तो आप लोग को पता होगा जो एक्सेलेटर मैंने बाहर निकाला वहां पर एक्चुअल में पहले से एक्सेलेटर था। तो यहां पर चैलेंजिंग ये था कि एक्सेलेटर को वहां से हटाया कैसा। अब अगर वहां से हम लोग एक्सेलेटर को मास्क आउट करके रिमूव करते हैं तो कुछ ना कुछ सॉलिड कलर डालना पड़ेगा, जिससे वहां पर क्लियरली विजिबल होगा कि कुछ ना कुछ हमने वहां से हटाया है। तो अब ये बात होगी कि इसको मैंने बनाया कैसे, राइट? तो इसको मैंने फिल करने के लिए यहां पर एआई की मदद ली है। वैसे देखा जाए तो एआई की मदद से आज के जमाने में हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, मतलब खुद के कपड़े बदलने हो, या खुद के कपड़े में किसी दूसरे मॉडल्स को डालना हो, या फिर घर पर खींची गई एक नॉर्मल प्रोडक्ट फोटो को किसी स्टूडियो लेवल फोटोग्राफी में बदलना हो, ये सब कुछ कर सकते हैं हम लोग विद जस्ट अ सिंगल क्लिक। यस, मैं बात कर रहा हूं यहां पर वंडरशेयर की तरफ से बनाई गई एक बहुत ही बढ़िया एआई टूल, जिसका नाम है वंडरशेयर वर्चुअल लुक, जिसमें आप लोग अपने खुद के फोटोज के कपड़े चेंज कर सकते हो एंड भाई ये देखने में बिल्कुल रियल लगता है, या फिर अपने ही पहने गए कपड़ों में किसी दूसरे मॉडल्स को डाल सकते हो एंड ये सारे मॉडल्स एआई जनरेटेड होते हैं। अब यहां पर जस्ट मैंने एक फोटो ली है प्रोडक्ट की अपने फोन से ही, जो कि देखने में बहुत ही सिंपल से लग रही है। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूंगा एंड यहां से वो फोटो को इंपोर्ट कर लेता हूं। अब यहां पर राइट साइड में काफी सारे मल्टीपल्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो अपने पसंद के यहां पर ऑप्शन को सेलेक्ट करके फोटो को जनरेट कर सकते हैं, या फिर कुछ अलग चाहिए तो यहां से आप प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो। तो सिंपली यहां पर मैं वाटर स्प्लैश को सेलेक्ट करूंगा एंड यस, बन गया भाई आपका खुद का प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटो। और भी बहुत सारी कैटेगरी को सेलेक्ट करके यहां पर मैंने फोटो को जनरेट किया हुआ है। सिंपली ये सारे फोटोज को डाउनलोड करके जहां मर्जी शेयर कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये वीडियो स्पॉन्सर है वंडरशेयर की तरफ से, लेकिन आप लोग को यहां पर फ्री ट्रायल मिलता है, जिसमें आप लोग 20 से 50 फ्री एआई फोटोज को जनरेट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जाकर के जरूर से चेक करें। शॉट नंबर 4, जहां से मैं कार के अंदर से बाहर निकल रहा हूं बिना दरवाजा खोले। अब ये शॉट हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि ये शॉट हमने रिकॉर्ड किया हुआ है एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर ट्राइपॉड वगैरह अलाउ बिल्कुल भी नहीं होता, वो सीधा शूट करने से मना कर देंगे। लेकिन ये वीडियो तो हमें रिकॉर्ड कैसे भी करना ही था, तो इसके लिए मैं एक ऐसी लोकेशन ढूंढने निकल जाता हूं जहां पर मैं अपने फोन को स्टेबल रख करके रिकॉर्ड कर पाऊं एंड ठीक उसी टाइम कार भी प्रॉपर तरीके से वीडियो में दिख पाए। तो खैर, थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद यहां फाइनली हम लोग को एक लोकेशन मिल जाती है जहां पर मैं अपने फोन एक जगह पे स्टेबल कर देता हूं। तो इसको रिकॉर्ड करना तो देखा जाए काफी इजी था। पहला शॉट मैं अपनी कार का अलग से लेता हूं एंड दूसरा खुद का शॉट मैं यहां पर जंप करते हुए कुछ इस तरीके से अलग से लेता हूं। अब जो मेरा खुद का शॉट था उसका मैं यहां पर बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूं, जिससे पहली वाली वीडियो और ये दूसरी वाली वीडियो आपस में प्रॉपर तरीके से सिंक हो जाती है। अब रही बात कार के अंदर से जो बाहर निकलने वाला शॉट है, वो चीज हम लोग वीडियो में कैसे दिखाए, तो इसके लिए जो कार वाली लेयर थी शुरू में जो मैंने लगाई थी, वही लेयर को कॉपी करके तीसरी लेयर बना देना है एंड उसको मास्क में जाकर के आधा मास्क कर देना है, जहां से मुझे अपने आपको निकलता हुआ दिखाना है। एंड इसको और बढ़िया दिखाने के लिए आप लोग मास्क का फेदर बढ़ा सकते हो, लाइक 10%, 20%, 30%, जो भी वीडियो के हिसाब से। एंड यस, वीडियो एडिट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द फाइनल शॉट, जिसका आप लोग काफी समय से वेट कर रहे हो। यस, यहां मैं प्लेन वाले शॉट की बात कर रहा हूं। यार ये वाला शॉट लेने के लिए ना हमें लिटरली बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि देखो ये शॉट को हमें रियल लेना था, जिसके लिए रियल प्लेन के पास ही जाकर के मुझे शूट करना था। चाहता तो मैं एआई से भी जनरेट कर सकता था, लेकिन वो चीज और जो रियल वाली बात होती ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क होता ही। तो फिर क्या, मैं सीधा निकल जाता स्पॉट पर वहां की फोटोज वगैरह लेना कि प्लेन की मतलब कंडीशन क्या है, क्योंकि हमें उसी तरीके का यहां पर एक मिनिएचर प्लेन रेडी करना था। और भाई जैसे ही वहां पर पहुंच करके हम लोग देखते हैं तो प्लेन की कलर की ना पूरी यहां पर बैंड बजी रहती है। अब देखो शॉट को तो हम लोग को किसी भी हालत में लेना ही था, तो मैं क्या करता हूँ एक टॉय की शॉप पर चला जाता हूँ एंड वहां से एक एरोप्लेन ले लेता हूँ, मिनिएचर था। एंड ऑब्वियसली बात है प्लेन उतना एज इट इज नहीं मिल पाएगा हम लोग को जैसा प्लेन वहां पर खड़ा था। तो घर आकर के उसमें हम लोग पेंट वगैरह करते हैं, जिस तरीके से वहां पर प्लेन खड़ा है सेम उसी तरीके का एक यहां पर छोटा सा डमी मॉडल रेडी कर लेते हैं। फिर क्या, अगले दिन ये सारी चीजें लेकर के हम लोग निकल जाते हैं स्पॉट पर। अब स्पॉट पर पहुंचने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही यहां पर शूट करना हम लोग शुरू करते हैं, लिटरली भाई यहां पर बहुत ही भयंकर बारिश होने लगती है। अब यार पूरा दिन तो हम लोग ने शूट के लिए दिया हुआ था, तो कैसे कैसे तो हम लोग यहाँ पर शूट करना ही था। तो कार में आकर के बैठ जाते एंड वेट करते भाई थोड़ा बहुत कभी ना कभी तो बारिश रुक ही जाएगी। एंड फाइनली शाम के 4 बजे जाकर के बारिश थोड़ा सा रुकती है एंड हम लोग यहाँ पर शूट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टूल का यूज करता हूँ, जिससे प्लेन को थोड़ी सी हाइट मिल पाए एंड एक क्लिप में प्लेन को लगा देते हैं। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं। फिर भाई जो होता है यहाँ पर मैं शॉट पे शॉट दिए जाता हूँ, लिटरली यहाँ पर 30 से 35 मैंने शॉट दिए, बट एक भी शॉट यहाँ पर परफेक्ट नहीं आता। फिर रुक
वापिस फिर गिराया तूने। अब क्योंकि प्लेन को हाथ से उड़ा रहे थे तो स्मूथली हवे में वो स्टेबल नहीं दिख रहा था, जो कि बहुत ही अनरियल सा लग रहा था। एंड जो कुछ शॉट थोड़े बहुत मिल भी रहे थे उसमें प्लेन गिर जा रहा है, तो मतलब ओवरऑल हमें जो शॉट चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिल पाता। एंड एट द एंड वही होता है जिसका हमें डर था, यस अंधेरा हो जाता है। फिर क्या, सब कुछ पैक करके वापस से निकल जाते हैं हम लोग घर की तरफ। अब इस बार मैं सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज बनाई जाए जिसमें हम लोग अपनी फ्लाइट को एक प्रॉपर स्टेबल मूवमेंट कर सके। जिसके लिए मेरे पास लास्ट में आइडिया आता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रेम रेडी करते हैं, जैसे ट्रेन की पटरी होती है कि ट्रेन इसके ऊपर स्टेबल चलती है, ऐसे फ्लाइट का भी एक ऊपर से कोई एक काइंड ऑफ पटरी बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोग फ्लाइट को आगे पीछे कर पाए। लेकिन चैलेंज ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ उस फ्रेम में लगाए जिससे हम लोग फ्लाइट को मूवमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं निकल जाता हूँ एक DIY स्टोर एंड वहाँ जाकर के मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती जिसमें मैं उस फ्रेम में लगा करके मूवमेंट कर पाऊँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर डबल टेप ले लेता हूँ क्योंकि दिमाग में रहता है भाई कहीं ना कहीं चिपका करके तो ये शॉट हम लोग ले ही लेंगे। एंड घर आकर के मुझे एक बहुत ही जुगाड़ू चीज़ मिलती है, एक एयर प्यूरीफायर दिखता है जिसके अंदर बीच में एक छेद होता है, और जैसे मैं उसको फ्रेम के डंडे में लगाता हूँ तो भाई यहाँ पर बहुत ही स्टेबल मूवमेंट मिल पाती है हमें। तो फिर क्या, एक दिन छोड़ करके अगले दिन वापस से निकल जाते हैं हम लोग लोकेशन पर। एंड इस बार फ्रेम के साथ साथ यहाँ पर मैं एक लैडर भी लाया रहता हूँ, एक बड़ा सा डंडा भी लाया रहता हूँ, थोड़े बहुत और अलग से इक्विपमेंट्स लाया रहता हूँ। तो पहले तो यहाँ पर मैं वो फ्रेम को असेंबल करके रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो मैंने एयर प्यूरीफायर की बात करी थी यहाँ पर लगा देता हूँ जिससे हमें मूवमेंट मिल पाए। एंड ठीक उसी प्यूरीफायर पर यहाँ पर डबल टेप से अपने प्लेन को चिपका देता हूँ। तो भाई सारी चीजें यहाँ पर रेडी हो जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ। एंड ऐसा नहीं था कि इस बार हमें एक बार में परफेक्ट शॉट मिल पाया, यहाँ पर भी हमें 15 से 20 टेक देना पड़ा, बट यस एक फाइनल शॉट हमें एट द एंड मिल ही जाता है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट कि इसको हमने एडिट कैसे करा। तो देखो, जो बंदा ऊपर बैठ करके प्लेन को आगे पीछे कर रहा था राइट, और जो यहाँ पर हमने फ्रेम लगाया हुआ था, ये सबकी एक प्रॉपर मास्किंग करके मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जो मास्किंग वाला पार्ट बचा रिमूव होने के बाद, जो पार्ट ब्लैंक हो गया, उसके लिए यहाँ पर मैं एक प्लेन बैकग्राउंड का वीडियो अलग से बनाया रहता हूँ जिसमें कोई फ्रेम और कोई बंदा नहीं होता है। तो वही वाली बैकग्राउंड के वीडियो को यहाँ पर लगा देता हूँ जिससे प्रॉपर तरीके से सब कुछ मर्ज हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है ना कि ये कोई भी एंगल से एयरपोर्ट तो भाई लग ही नहीं रहा था राइट। तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पर AI की मदद लेता हूँ। पहले तो देखो, मुझे यहाँ पर प्लेन को रिमूव करना था क्योंकि शुरुआत में आप लोग देखोगे प्लेन था नहीं वीडियो के फ्रेम में, तो प्लेन को रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एक जंगल सा लग रहा था, तो उसको भी रिमूव करके यहाँ पर मैं पूरा का पूरा एक एयरपोर्ट का लुक बना देता हूँ। अब सारी चीजें रेडी थी। अब जैसे ही प्लेन आता है पास में, क्योंकि ऊपर का मैंने मास्क आउट करके रिमूव किया हुआ है, तो प्लेन यहाँ पर एकदम से स्टेबल दिख रहा है। एंड गिरते साथ ही जो रियल प्लेन वहाँ पर खड़ा रहता है उसी की इमेज को साथ में मैं पोजीशन करके गिराता रहता हूँ। ये दोनों को इतना प्रॉपर तरीके से मैं फेड इन फेड आउट करता हूँ कि वो देखने में उतना समझ में नहीं आता है। एंड साथ ही साथ दोनों में मैंने यहाँ पर मोशन लगाया हुआ है जिसकी वजह से अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज वो चीज़ इतना दिमाग में कैच नहीं होती। फिर जैसे ज़मीन पर गिरता है, यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डस्ट और ज़मीन हिलने का मैंने इफेक्ट लगाया हुआ है जिससे सारी चीज़ें इतना रियल लग रही है। एंड यस, वीडियो हमारी यहाँ पर रेडी हो जाती है। ओके, तो यार वो बस यहीं तक था वीडियो में। होप आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने ट्राई किया जो जो मैंने चीज़ें यहाँ पर करी सब कुछ आप लोगों को ब्रेक डाउन करके बताऊँ। कुछ भी नया फिर इंटरेस्टिंग सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो। और वीडियो को शेयर कर देना अपने किसी भी दोस्तों या फिर फैमिली मेंबर के साथ ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि भाई ये सारी चीज़ें एक्चुअल में बनाई कैसे जाती है। चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे जाकर के सब्सक्राइब कर देना, और इसी चैनल पर और भी बहुत सारी इसी तरीके की वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, वो भी जाकर के चेक कर सकते हो अगर आप लोगों को मजा आया तो। सो मैं मिलूंगा आप लोग से ऐसी किसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई गुड बाय।